जय हिंद दोस्तों, मैं आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। मेरे दो बंदे हैं और रेस में क्वालिफाई करके आए हुए हैं, आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जय हिंद देश के जवानों। दोस्तों आज मैं मिलाने वाला हूं जॉनी और विक्की से। दोनों बहुत ही अच्छे मेरे स्टूडेंट थे, मेरे साथ इन्होंने तीन महीने अपना टाइम दिया इन्होंने और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। दोनों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और मैं आपको बताऊंगा कि बंदे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप सोचेंगे कि बंदे कहाँ कहाँ से जेडी सर के पास आते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि ऑल इंडिया से बच्चे मेरे पास आते हैं और ये बच्चे बहुत इंडिया के कोने से आए हुए हैं, जो हमारे देश का बहुत ही अच्छा प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ये दोनों बच्चे वहाँ से बिलोंग करते हैं और मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन बंदों ने मेरे वीडियो देख के मेरे को अच्छा समझा। इनके फादर ने बात किया, रिलेशन के हैं दोनों बंदे, इंडियन आर्मी से इनके फादर भी बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली इंडियन आर्मी में है। इन्होंने भरोसा किया और मुझे 3 महीने का टाइम दिया और आज इनकी एक्सीलेंट रेस क्वालिफाई हुई है और 100 नंबर का फिजिकल है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, इन्हीं बंदों की जुबानी दिखाने वाला हूँ कि ये बंदे किस तरह यहाँ पे रहे और इनको क्या क्या तकलीफें हुई और क्या क्या इनको फायदे मिले। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? सर विक्की सर। विक्की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। जी सर। ठीक है, मैं बहुत जितना भी हमने कराया आपने अच्छा किया, उससे भी अच्छे गर्व की बात यह है कि आपने मेरा नाम रोशन किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बेटे आपने जब यहाँ एडमिशन लिया तो आप कैसे वीडियो से कैसे आप आए, थोड़ा बताएंगे? सर यूट्यूब पे वीडियो देखी मैंने आपकी, तो फिर मैंने घर वालों से बात की कि अकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि रेसर मेरी अच्छी नहीं थी। पहले मैंने 1-2 भर्ती में रेस मारी थी लेकिन गुड में मारता रहा। फिर घर वालों ने कहा कि जा सकता है अगर जाना है तो। फिर सर मैं इसके पापा से बात की और हम दोनों आए, तो फिर सर हमने यहाँ पे प्रैक्टिस 10-15 दिन, हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई सर यहाँ पे माहौल के साथ, गर्मी थी। फिर सर हो गया सब ठीक, तो आस्ता आस्ता करने लगे प्रैक्टिस। सर जब सर प्रैक्टिस शुरू में जब मैं आया था तो मेरी टाइमिंग 6:30 थी, लास्ट 3 महीने प्रैक्टिस की। जब मैं गया यहाँ से तो 5-15 मार के गया था, तो वहाँ पर मैंने 5-5 मैच नेट मारा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जॉनी सिंह। जॉनी सिंह, आपको जब आप शुरू में आए थे एडमिशन लिया था, वैसे तो आप ठंडे प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जब आपने यूपी में आए तो आपको यहाँ पे बहुत गर्मी लगी, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे, गर्मी में कैसा आपको फील हो रहा था यहाँ पे? पहले 15 दिन तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, मतलब गर्मी की वजह से ना नींद पड़ती थी, प्रैक्टिस का मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी आप बोलते रहे कि टहलो टहलते रहो, फिर हम थोड़ा बहुत करते रहे। उसके बाद जब आदत पड़ गई गर्मी सहन करने की, फिर आपने प्रैक्टिस करवाई अच्छी प्रैक्टिस करवाई, तो अभी तभी एक्सीलेंट में रेस पड़ी हमारी। अच्छा, अभी जब आपने वहाँ भर्ती देखने गए तो आपको कॉन्फिडेंस था कि नहीं अगर हम प्रैक्टिस करके गए तो एक्सीलेंट मारेंगे? पूरा कॉन्फिडेंस था। सर जैगरिप का जब हमने गेट एंटर किया था तो हमें पता था हम रेस मार के आएंगे एक्सीलेंट, आपने प्रैक्टिस उसी हिसाब से करवाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये बंदे हैं और बहुत दूर से आए हुए थे, आप देख इनका कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा था, और ये बंदे अभी मेडिकल कराएंगे और इसके बाद रिटर्न, तभी भी ये जम्मू कश्मीर से हमारे पास सिर्फ मिलने के लिए आए थे कि नहीं हम जेडी सर का धन्यवाद करेंगे कि अच्छी प्रैक्टिस कराए। और दोस्तों एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो भी बंदे दूर से आते हैं ना, जो भी जेडी फिजिकल अकेडमी सर्च करके आते हैं, तो एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जेडी फिजिकल अकेडमी सर्च करके आते हैं, गलती से अगर आप किसी दूसरे अकेडमी में चले जाते हैं, तो एक बार आप मेरा चेहरा देख लीजिए कि क्योंकि एडमिशन में मैं मिलता हूँ, अगर आप दोबारा मेरे से बात करके फ़ोन करके आइए कि नहीं हमें जेडी सर से मिलवाइए कि जेडी सर की अकेडमी है कि नहीं, बहुत सारे बंदे इधर उधर भटक जाते हैं। और एक चीज़ याद रखो, किसी भी अकेडमी में जाइए, बड़ी बड़ी अकेडमी किसी भी में 2-3 महीने की फीस कहीं भी जमा नहीं होती है। मुझे पता है आप किसान के बच्चे हैं, इंडियन आर्मी वाले बंदों के बच्चे हैं, आप डिफेंस एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जो भी फैमिली है थोड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये कोई बड़ी बड़ी फैमिलियों से बच्चे नहीं आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप 2-3 महीने की फीस किसी भी अकेडमी में मत जमा करिए। अगर ये समझ लीजिए, अगर कोई भी बंदा 2-3 महीने की फीस जमा करा रहा है किसी भी अकेडमी में, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ बंदों से 1 ही महीने की फीस जमा कराता हूँ, और आपको बता दूँ मेरी जो महीने की फीस है वो 6,000 रुपये पर मंथ है, जिसमें से मेरा हॉस्टल, रहना, खाना, पूरा यानी प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ, और बच्चे को पूरा फैसिलिटी भी मेरे हॉस्टल में 2-2 बंदे देख रेख के लिए गए, कोई भी प्रॉब्लम, बच्चे को इंजरी भी होती है ना, तो उसके लिए बच्चों को हम खुद जाके रात में खुद जाके बंदों को मालिश करवाते हैं और बच्चे को ट्रीटमेंट कराते हैं, इसके बाद डॉक्टर से सलाह लेके उनका जो भी है मसल्स वगैरह रिकवरी सारी करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी
कहीं भी एडमिशन, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ आप जेडी फिजिकल एकेडमी में ही एडमिशन ले, अगर आपको एडमिशन लेना है जहाँ भी लेना है कहीं भी, देखो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी रहिए अच्छे से प्रैक्टिस करें, लेकिन एक एक चीज़ समझ तो होनी चाहिए यार, आपको समझ ये होनी चाहिए कि अगर कोई भी बंदा हमको हफ्ते में पूरा शेड्यूल से वर्कआउट करा रहा है, अच्छी मेहनत करा रहा है, टेक्निक एक्सरसाइज करा रहा है, कोर एक्सरसाइज करा रहा है, मसल्स एक्सरसाइज करा रहा है, और क्या वो इंडोरेंस पावर यानी इंडोरेंस वाली वर्कआउट करा रहा है, तो समझ लो कि आपकी ये भी आपको चेक करना है कि यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी तो नहीं होती है। आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोकल से आएंगे मेरे यहाँ 2 से 3 महीने का डेमो फ्री रहता है, लेकिन एक चीज़ बता दूं, हॉस्टल में जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे तब तक मैं हॉस्टल में अलाउ नहीं करता हूँ किसी भी बच्चे को। आप बाहर रह के डेमो ले सकते हैं, देख सकते हैं, और बच्चों से मिल सकते हैं और कर सकते हैं। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि मैं आपके लिए और आपके भविष्य के लिए मैं आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपकी रेस मैं गारंटी के साथ क्वालिफाई कराऊंगा। अगर आपके अंदर स्टेमिना है, जज्बात है, जुनून है, जोश है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका भविष्य बना दूंगा और आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।